सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फळरे प्रतिदिन अपलोड हेउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। वेदपति ब्रह्मा नारदंक प्रश्नर उत्तर देबाकु जाई परमात्मांकर महिमाकु वर्णना कले सृष्टि निर्माणर रहस्यकु संक्षेपरे प्रकाश कले तत्पर सकल सृष्टि सेई एक परमात्मांकर विभूति बा कल्याण बोली प्रतिपादन कले तत्पर निज हात तयारी सृष्टिरे समयर आह्वानरे आवश्यकताकु नेई अजन्मा पुरुष भगवान केउ केउ अवतार ग्रहण करिछन्ति वर्णना करिबाकु लागिले। भलो मंद सत्य मिथ्या पाप पुण्य को सम्मिलित करी प्रभु सृष्टि को निर्माण करिछन्ति। जेते बेले धर्म कलुषित हो जाए धर्माचरण बाधा प्राप्त हुए साधु संत ऋषि महर्षि द्वारा शांति प्रतिष्ठा हो पारे ना से प्रभु बिना माता पिता सहयोगे रजवीर्जर बिना संजोगे निजकु निजे प्रकट कराई सृष्टि लीला को गतिशील करती। भक्त कवि जयदेवंकर दश अवतार वर्णना अनुजाई मत्स्य अवतार को प्रथम अवतार बोली ग्रहण करा जाय छी। हेले मनंतरर क्रम अनुजाई द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय रे वेदपति ब्रह्मा बराह अवतार को प्रथम अवतार बोली वर्णना करिसंती। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु संबंधी कथा सप्तम स्कंद रे तो विस्तारित भाव में आलोचना करा जाय छी। आमे मध्य आलोचना करिबा द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय रे नारदंक प्रश्न रे उत्तर देबा को जाई ब्रह्मा जेतिक लीला अवतार क्रम को वर्णना परिप्रेक्षी से आलोचना जारी रखी। प्रलय जल में बुड़ी जाइथिबा पृथ्वी को उद्धार करने प्रभु बराह अवतार धारण कले। पृथ्वी के उद्धार करने बेले बराह रूपी भगवान युद्ध करने जल भितर हिरणाक्ष जिते माड़ आसला प्रभु निजर दंत अस्त्र द्वारा हिरणाक्ष को बद्ध कले। ए घटना क्यों कल्प घटी जगन्नाथ दास उल्लेख कर अंते हरी सुकर रूपे अवतरी आदि असुर अवतार प्रचंड हिरण्याक्ष वीर ताहाकु महार नव जले ते बिदारिले पाताले सब के सच्चिदानंद भगवान की। गोटे कल्प भोग परे सृष्टि प्रलय जल रे बुड़ी जाए पद्म कल्प शेषे जो प्रलय होता तापर प्रभु प्रलय जल रु पृथ्वी को उद्धार कले। दंत अग्रे पृथ्वी को प्रभु उपर को ऊर्धगामी करैले। प्रभु दंत अग्रे पृथ्वी को ऊर्धगामी कराइला जो स्थल भाग प्रथम दृश्यमान होता सजन वृंद ताहा हेउची पुण्यभूमि भारतवर्ष। श्वेतवराह कल्पर प्रथम मनंतर पुनः स्वयंभुव मनु ससागराधरार राज चक्रवर्ती हेले। सजन वृंद तापर प्रभु सुयोग्य रूप से अवतार ग्रहण कले। प्रजापति रुचि महर्षि और मनुकन्या आकुति कुलमंडन करिथिले सुयोग्य अवतार। भगवान सुयोग्य दक्षिणा नामिनी कन्या को विवाह करी अनेक देवता जन्म देथिले। असुर मानक दुरात्म को विनाश करी त्रिलोकर संकट हरण करिवारु यज्ञ भगवान को स्वयंभुव मनु नूतन नाम प्रदान कले। से नाम टी कौन अरभदेवंकु जात कले त्रिलोक भय निवारिले जे मनु ब्रह्मार नंदन हर से देले हरि नाम भगवान की। जगतर दुख भय हरण करिथिबारु ब्रह्मानंदन मनु सुयोग्य भगवान को हरिनाम नामित करिथिले। सेई दिन ठारु सत्ययुगरे भगवान कर नाम श्रीहरि बोली समस्ते जानिले सजन वृंद। चतुर्मुख ब्रह्मा अवतार वर्णना करने को जाई कहुचंती हे नारद तापर प्रभु प्रजापति कर्दमंक उरसरु मनुकन्या देवहूति गर्भरु नौ जन भौणी समेत कपिल भगवान अवतार ग्रहण कले। जन्मेण जननीर दुख ज्ञाने हरिले
पदम मुख आत्मार गति माता हे कहिले तत्व अनुरागे काहा कुमायारु उधरी कपिल रूपे नरहरी भगवान संसार मायारु मन को मुक्त कर श्रीहरि चरण से सर्वदा केमिति मनोनिवेश करहब माता देवहूति प्रश्न पचारिबारु भगवान कपिल माता को तत्व जणाई आत्मार परम गति संबंध रे ज्ञान प्रदान करथिले। सजन वृंद प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय रे सुत सौनक संवाद रे एकविंश अवतार वर्णन रे मध्य ए आलोचना सरीछि। तबे जहा हेउ ब्रह्मा नारद संवाद रे तारहु पुनः आलोचना हेछि भागवत पृष्ठा रे। तापर ब्रह्मा प्रभु मुखर शुणीवा अवतार लीलार अनेक कथा नारद को कहवाक लगिले। अत्रि मुनि बर भिक्षा पूर्ण करने को जाई भगवान निजे निजक दत्त करते तेणु प्रभु अत्रि कोलमंडन कर दत्तात्रेय भाव लीला करते नहुष और जदुराजा इत्यादि को जोगमार्ग शिक्षा दे भगवान दत्तात्रेय से मुख्य मुक्ति प्रदान कराइले। जन्म मरण चक्र जीव को उद्धार कर उपाय को बतई परवर्त अवतार कथा ब्रह्मा कहते भगवान सन्न नाम को धारण करते सन्न शब्द अर्थ हूँ तप बा तपस्या। भगवान चारि बालकर रूप धारण कले जो मैंने चीर तपस्वी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार रूप से चारि शरीर धारण करते पूर्व कल्पर प्रलय पर माने पद्म कल्पर प्रलय पर जोगी ऋषि मैंने आत्मज्ञान को भूली जाते सजन वृंद से चतुसन आत्मज्ञान उपदेश पूर्व स्मृति को पुणी फेर आनी दक्ष कन्या मूर्ति गर्भर भगवान नर नारायण हो दुई ऋषिपुत्र भाव अवतार ग्रहण करते जहां तपस्या भंग करने इंद्र उर्वशी आदि अप्सरा मान को पठाई सजन वृंद तपस्या विघ्न सृष्टि करने इंद्र कंदर्प देवता निर्देश देते षडरीपुर प्रभाव मुक्त नर नारायण भितर प्रवेश क्रोध पक्ष भय संचार कर क्रोध से थर को लगी षडरीपुर प्रभाव मुक्त नर नारायण भितर प्रवेश क्रोध भी भय थर को लगी सजन वृंद ए संसार रे एमित किए अच्छी जी क्रोध को जीति पारी ब्रह्मा कहते काम को करती दही कोप प्रवेश जही नहीं सब के सब के सब भगवान ब्रह्मा कहुचंती हे नारद मुनि ऋषि साधक माने पुणे निजे भगवान चीर तपस्वी शंकर क्रोध को त्याग करी से माने तांको तपस्यार साधना बल निज भीतर काम को प्रवेश कराई दे पार दियंती नहीं एटा तांकर साधनार होची उच्चतम सोपानर कथा निज भीतर से काम को प्रवेश कर दियंती नहीं सहजरे किंतु क्रोधर नियारे काम को जाली दे पारंती सिना मात्र निज को जालुथिबा क्रोध को से माने त्याग करि पारंती नाही निजर क्रोध अग्नि रे से निजे जर्जरित हुंती निजर क्रोध को से माने दमन करि पारंती नाही। ए संसार रे जेते साधक अछंती होय तो से माने काम को जय करि पारंती हेले क्रोध को केहि सहजरे जय करि पारंती नाही। सजन वृंद हेले प्रभु नरनारायण एमिति साधना करथिले जे से माने क्रोधरु संपूर्ण मुक्त थिले सेथिपाई तांकु अवतार बोली कुहा जायछि। संसार रे जिए क्रोधरु मुक्त तांकु अवतार रो आसन मिली थाए पितांकु पुत नामक नरक रु उद्धार करिबा पई भगवान पृथु नाम रे पुनी अवतार ग्रहण करथिले। सेई अवतार रे प्रभु पृथ्वी को गाई करी दोहन करथिले जगतवासी को पई शस्य बीज औ औषधि सब प्रदान करथिले। संसार रो प्रत्येक पुत्र निज पितांकर उद्धार रो कर्ता साजिबार शिक्षा प्रभु से
ସେଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଭି ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଭଗବାନ ଋଷଭ ଦେବ ରୂପରେ ଧରାବନ୍ଧନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ କୋଳରେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଭରତ ମହାରାଜ ଶହେ ପୁଅ ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହୋଇ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହୟଗ୍ରୀବ, ମତ୍ସ୍ୟ, କୁର୍ମ, ନୃସିଂହ ଅବତାର, ବାମନ ଅବତାର, ହଂସ ଅବତାର, ଧନନ୍ତରୀ, ପରଶୁରାମ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ବଳରାମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବ୍ୟାସଦେବ ଏ ଆଦି ଅବତାରଙ୍କ କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କେଉଁ ଅବତାର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, କଳିଯୁଗରେ ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ମୋହ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନର ଅବତାର ହେବେ। କଳିଯୁଗରେ ବିଗତ ଯୁଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପାପାଚାର ଘଟିବ। ବିଗତ ଯୁଗରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପଭାର ବଢୁଥିଲା, କଳିଯୁଗରେ ଧାର୍ମିକ ଆସନ ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ଲୋକେ ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବେ। ଏ କଥାକୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷମାନେ। ଅଧର୍ମୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବେ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି? କପଟେ ମାୟା ମୋହ ପାସେ ପାଷଣ୍ଡ ମାର୍ଗ ଉପଦେଶେ ଅଜ୍ଞାନୀ ମଧେ ନ ବୁଝିବେ ସୁଜନ ଜନଙ୍କୁ ହିଂସିରେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ଗୁଣ କଥା ନ କରି ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଚିନ୍ତା ସବକେ ଭଗବାନ କି। କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ବଖାଣିବେ ସେମାନେ ବିକୃତ ସ୍ୱାର୍ଥ ମାୟାରେ ପଡି କପଟ ଆଚରଣ କରିବେ, ପାଷାଣ୍ଡ ବୃତ୍ତି କରିବେ, ନିଜେ ସତ ମାର୍ଗରେ ନ ଥାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ସେ ଉପଦେଶ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମଦମତ ମଣିଷ ଏ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ, ଶୁଣିବେ, ହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ସୁଦ୍ଧା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ଠାବାନ ସଜ୍ଜନ ହୋଇଥିବେ, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଧନଜୀବନ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଂସା କରିବେ ଏ ମଦମତ୍ତ ମଣିଷମାନେ। ଜ୍ଞାନ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ମରଣରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନଥିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ଆଦର୍ଶ ନଥାଇ ତୁଣ୍ଡରେ ଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଥିବେ, କଲ୍ୟାଣର ଚିନ୍ତା ମନରେ ନଥିବ, ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ସ୍ଥାପନ କରି କପଟ ଆଚରଣ କରି ଜ୍ଞାନକୁ ବଖାଣୁଥିବେ, ଆଉ କଣ ହେବ? ପାଷାଣ୍ଡ ଆଚରିରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଯଜ୍ଞ ନ କରିବେ ରାଜା ହୋଇବେ ଶୂଦ୍ର ଜନି ପ୍ରଜା ପାଳିବେ ପର ଧନି ସବକେ ଭଗବାନ କି କହୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଦ୍ୱିଜର ପରିଚୟ ବହନ କରି ମଣିଷ ପାଷାଣ୍ଡ ବୃତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ବରଣ କରେ ସେଇ କର୍ମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ତାର ପରମ ଧର୍ମ। କର୍ମକୁ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ କରିବା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ, ସ୍ୱଧର୍ମ ଯଜ୍ଞ କଳିଯୁଗରେ କେହି ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ନାହିଁ। ମନ ଯାହାର ଶୁଚି ନାହିଁ, ହୃଦୟ ଯାହାର ପବିତ୍ର ନାହିଁ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଯାହାର ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ସେଇମାନେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବେ। ଶୂଦ୍ରମାନେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବାର କଥା ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଶୂଦ୍ର କହିଲେ ସ୍ୱଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଦ୍ରଚିତ କରିପାରିବେନି ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୂଦ୍ର। ରାଜଧର୍ମ ନ ଜାଣିଥିବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଜାପାଳକ ନ ସାଜି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଭକ୍ଷକ ସାଜିବେ। କରପିଡ଼ା ଦେଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ରାଜାମାନେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ କରି ନର୍କକୁ ଯିବେ। ଆଉ କଳିଯୁଗରେ କଣ ହବ ବୋଲି ଏ ସ୍କନ୍ଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ।